हेलो दोस्तों, नीट यूजी के जो फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं यानी 2021 जो है आफ्टर 12 के जो यूजी कोर्सेज है एमबीबीएस बीएमएस और जो भी कोर्सेज आप करना चाहते हैं तो उसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। किस तरीके से उसकी पूरी डिटेल जानने के लिए इस वीडियो में बने रहिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, काफ़ी दिनों से लोग परेशान थे, 10th 12th क्लास का जो रिज़ल्ट भी नहीं आया और नीट के लिए भी अप्लाई करना है। ये कुछ लोग जो ऐसे थे जिन्होंने जो है नीट की प्रिपरेशन कर रखी थी, पिछले साल ड्रॉप लिया था, लेकिन अब जो है नीट के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते थे, उन लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि नीट के जो फॉर्म है स्टार्ट हो चुके हैं। ये URL है neet.nta.nic.in के ऊपर में आपको जाना है और यहाँ पे जाकर फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। लेकिन ये जो इंस्ट्रक्शन दी गई है इस इंस्ट्रक्शन को आपको केयरफुली पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन है उसके पढ़े बगैर आप अगर फॉर्म भरते हैं तो आपके लिए इशू हो सकता है। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन जो है मैं हिंदी के अंदर में जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के दे दूंगा और इंग्लिश में भी रहेगा, जिसे आप पढ़कर पूरी डिटेल को जान सकेंगे। अब जो है फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जब हम क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे दिया गया है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, अपलोड स्कैन फोटो एंड सिग्नेचर एंड पे एग्जामिनेशन फीस। ये जो है चार क्राइटेरिया दिया गया है जिसके अंदर में आपको फॉर्म फिलअप करना है। जब हम न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद में कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आपको दिखाई देने लगेंगी, जो हिंदी में भी है और इंग्लिश के अंदर में भी दी गई है कि आपको जो फॉर्म भरना है उसकी जो है आवेदन करने की जो प्रोसीजर है वो किस तरीके से, उसकी डिटेल यहाँ पे दी गई है। उसके बाद में अगर आप जो है जनरल कैटेगरी के अंदर में फीस वगैरह की डिटेल भी यहाँ पे दी गई है कि जनरल कैटेगरी के लिए 1500 रुपये आपको पे करने होंगे। EWS कैटेगरी या फिर OBC कैटेगरी अगर आपकी है, NCL कैटेगरी अगर आपकी है तो 1400 रुपये आपको पे करने हैं। SC ST कैटेगरी या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी है यानी PWD जिसे बोलते हैं तो उसे 800 रुपये पे करने हैं। 800 रुपये पे करने के बाद में उसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये इंस्ट्रक्शंस को आपको केयरफुली पढ़ना है, क्या क्या क्राइटेरिया दिया गया है, ये सारे इंस्ट्रक्शन को पढ़ने के बाद में चेक मार्क आपको लगाना है और उसके बाद में क्लिक हेयर टू प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक हेयर टू प्रोसीड बटन पर हम क्लिक करते हैं तो फॉर्म उसी तरीके से होगा जिस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको सारी डिटेल पे कर फिलअप करने, कैंडिडेट का पूरा नाम जिस तरीके से 10th क्लास की मार्कशीट पे, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, उसके बाद में उसकी नेशनलिटी आपको डालनी है, उसके बाद में आइडेंटिटी टाइप डालना है जो भी आइडेंटिटी टाइप डालना चाहते हैं, उसके बाद में उसकी जो है आइडेंटिटी नंबर यानी आधार कार्ड आपने डाला तो आधार कार्ड का नंबर, आपका पूरा एड्रेस, सिटी, जो कंट्री, उसके बाद में स्टेट, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट, उसका उसका पिन कोड, मोबाइल नंबर आपका डालना है, ईमेल आईडी डालना है और ऑप्शनल अल्टरनेट नंबर डाल सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल है तो, और एड्रेस का डिटेल सेम है तो यहाँ पे चेक मार्क लगा दे और ये एड्रेस प्रॉपरली आ जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे दूसरा एड्रेस हम लिख सकते हैं। पासवर्ड आपको डाल देना है। पासवर्ड डाले बाद में यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन दिया गया है वो आपको डालना ज़रूरी है, उसका आंसर यहाँ पे लिखना है, कैप्चा कोड डालकर सबमिट बटन पे क्लिक करना है। तो ये एक फॉर्म है, फॉर्म की प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है और किस तरीके से फॉर्म की पूरी डिटेल है। यहाँ पे पूरे इंस्ट्रक्शन दी गई है कि वन बाय वन आपको फॉर्म भरने के जो क्राइटेरिया दिया गया है, यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शन दी गई है कि कौन से कैटेगरी के लिए कितनी फीस भरनी है, उसके बाद में एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की जो डेट है 13 जुलाई से जो है स्टार्ट हो चुकी है, 13 जुलाई से स्टार्ट जो है एग्जामिनेशन हो चुके हैं। अब जो है यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसको बोल्ड कर यानी बड़ा कर मैं दिखा देता हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों के समझ में आना चाहिए। अब जो है डेट जो है सक्सेसफुल आपको 17 अगस्त तक के जो है आपको पेमेंट आप कर सकते हैं। उसके बाद में अनाउंस जो होगा सिटी एग्जामिनेशन जो है 20 अगस्त को अनाउंस हो जाएंगे यानी 20 अगस्त को मालूम हो जाएगा और डाउनलोड का जो लिंक आएगा आपको 3 दिन के अंदर में रिलीज होगा। डेट जो है 12 सितंबर को जो है एग्जामिनेशन होने वाला है संडे के दिन में। ड्यूरेशन यानी आपका जो पेमेंट जो एग्जामिनेशन को जो टाइम है 180 मिनट यानी आपको 3 घंटे तक आपको पेपर जो है देना है, यानी 2 बजे अगर आप पेपर स्टार्ट होता है तो 5 बजे आपका पेपर सबमिट होगा। सेंटर की जो डेट है वहाँ पे जाने के लिए आपको सबसे पहले एडमिट कार्ड ले जाना ज़रूरी होगा। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन को आपको पढ़ना है। ये सारे इंस्ट्रक्शन के साथ साथ में जो जो भी इन्फॉर्मेशन ब्रोशर के अंदर में दिया गया है उसे भी आपको रीड करना है। अगर इन्फॉर्मेशन ब्रोशर के अंदर में आप कोई मिस्टेक कर देते हैं यानी कोई आप ऑप्शन पढ़ना भूल जाते हैं तो आगे आपको इशू आ सकता है। तो ये चीज को आपको याद रखना है कि आपका जो फॉर्म है वो प्रॉपरली हो, जैसा कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन ब्रोशर भी दिया गया है। यहाँ पे नीचे में देखिए फर्स्ट है आपको यहाँ पे पब्लिक नोटिस और दूसरा है इंफॉर्मेशन ब्रोशर, ये चीज को आपको याद रखना है।
तो ये इन्फॉर्मेशन ब्रोशर के अंदर में पूरी डिटेल दी गई है, पेपर कैसा होगा, उसके बाद में क्या क्या आपको कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क का क्वेश्चन होंगे, उसके बाद में आपका पेपर का टाइमिंग क्या होगा, सेंटर कहाँ मिल सकते हैं, आपको कोई इशू आता है तो कहाँ पे आपको मेल करना है, ये सारी चीज़ें आपको नीट के वेबसाइट से मिल जाती है। तो इस तरीके से जो है एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मैंने दिया कि इसके अंदर में जो है डेंटल ये जो इम्पोर्टेंट नोट्स जो है यहाँ पे दी गई है, नेशनल मेडिकल कमीशन, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, मेडिकल काउंसिल ऑफ कमेटी, ऑल इंडिया आयुष सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी और नेशनल टेस्ट एलिजिबिलिटी टेस्ट, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी गई, वन बाय वन आप क्लिक कर कर उसको भी रीड करना है। उसके बाद में एडिशनल लिंक यहाँ पे दी गई है मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन की, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की और डायरेक्टर ऑफ जनरल हेल्थ सर्विसेज की, तो ये भी आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो ये आज अभी जो 2021 का जो फॉर्म है नीट का, यानी नीट यूजी का, ये काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट है कि इसके इंस्ट्रक्शन को आप अच्छी तरीके से पढ़ें। तो ये था एक बेसिक वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि नीट का जो फॉर्म है आपको किस तरीके से फिलअप करना है, डॉक्यूमेंट किस तरीके से आपको लगाने हैं और उसके अंदर में कौन कौन सी बातों का आपको याद रखना है, कौन कौन सी बातों का आपको खास करके ध्यान रखना है। तो ये था एक बेसिक वीडियो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल बटन जरूर दबा दें और इन्फोटेक ऐप चैनल को शेयर कर लोगों तक जरूर पहुंचाए, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमारा ये चैनल काफ़ी जो है प्रोग्रेस कर रहा है। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, थैंक यू।